Hello friends, this is Dr. Sajad Wani with another video on income tax. This video is meant for the employees working in various departments under the government of Jammu and Kashmir. For the ease of calculation of tax liability for the financial year 2017 and 18, we will follow the steps. Yes. Pehle government employee apna naam file karega in the tax liability sheet. Uske baad apna PAN number likhega. PAN means permanent account number. अपना पैन नंबर देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने अपना वैलिड पैन नंबर नहीं दिया तो उसकी जो सैलरी है या इनकम है उस पे या तो वो टैक्स लगेगा द टैक्स और द रेट्स इन फोर्स या द रेट्स स्पेसिफाइड इन द रेलिवेंट प्रोविजंस या द रेट ऑफ 20% विच एवर इज हायर. मान लीजिए आपकी इनकम है 5 लाख रुपीज़ तो उस पर टैक्स बनेगा एट द रेट ऑफ 5% फ्रॉम 2,50,000 टू 5 लाख. In case you fail to furnish your valid PAN number, तो इस income पे भी means 5 lakh rupees पे भी 20% का tax लगेगा. So it is important to furnish a valid PAN under section 206AA. आगे चलते हैं. Income chargeable under the head salaries. जो हम salary income बोलते हैं इसका मतलब क्या है? सैलरी ड्यू वेदर पेड और नॉट. जो आपकी सैलरी ड्यू है चाहे आपने वो ली है या नहीं ली है उस पर टैक्स बनेगा. मान लीजिए आपकी दिसंबर की सैलरी है वो अभी आपने ड्रॉ नहीं की है लेकिन वो ड्यू थी तो उस पर भी इनकम टैक्स लगता है आपका. दैट इज ऑल्सो चार्जेबल. एनी सैलरी पेड और अलाउड दो नॉट ड्यू और बिफोर इट बिकेम ड्यू. अगर आपने कोई एडवांस सैलरी ली है जो अभी ड्यू नहीं थी लेकिन आपने वो ली है इट हैज ऑलरेडी बीन पेड तो इस टाइम भी दैट विल बी चार्ज अंडर द हेड सैलरी. इस पे भी टैक्स लगेगा. एनी एरियाज ऑफ द सैलरी पेड और अलाउड टू हिम इन द प्रीवियस ईयर्स इफ नॉट चार्ज टू इनकम टैक्स फॉर एनी अर्लियर प्रीवियस ईयर. जो आपके एरियर्स होते हैं जो पिछले साल या उससे पहले ड्यू थे लेकिन उस टाइम ड्रॉ नहीं हुए थे और इस साल आपने ड्रॉ किए तो उन पे भी टैक्स लगेगा. वो भी चार्जेबल है अंडर हेड सैलरीज. लेकिन यहाँ पे ये याद रखना है अगर वो पिछले साल या उससे पहले किसी साल ड्यू थे और उस टाइम आपने उन पे टैक्स चार्ज नहीं हुआ है तो इस साल उन पे टैक्स चार्ज होगा. हाँ अगर वो किसी साल ड्यू थे और आपने उनका टैक्स उस साल भरा है तो इस साल उन पे टैक्स नहीं लगेगा. मीन जो आपकी सैलरी है चाहे वो ड्यू है या ड्रॉन है या आपके एरियर्स जो है उन पे एक ही बार टैक्स लगता है. आगे चलते हैं. तो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई पहले अपना टैक्स लायबिलिटी शीट उस पे अपना नाम लिखेगा उसके बाद पैन नंबर लिखेगा उसके बाद अपनी सैलरी इनकम लिखेगा उसके बाद हम डिडक्शंस लेते हैं. सेक्शन 80C जो मैंने एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस किया हुआ है इसमें क्या क्या आता है. इसमें डिडक्शंस आती हैं अंडर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आपके डेफर्ड एन्युइटीज आते हैं कंट्रीब्यूशंस टू प्रोविडेंट फंड जैसे आपका जीवी फंड है SLI है सब्सक्रिप्शन टू सर्टन इक्विटी शेयर्स और डिबेंचर्स प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ रीपेमेंट ऑफ होम लोन्स ये भी हमने एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस किया हुआ है एंड ट्यूशन फी ऑफ टू चिल्ड्रन. आगे चलते हैं सेक्शन 80CCC इसमें क्या क्या आता है. एनविटी प्लान ऑफ एलआईसी ऑफ इंडिया और एनी अदर इंश्योरर फॉर रिसीविंग पेंशन इसमें आपका जीवन सुरक्षा पॉलिसी वो भी इसमें आती है सेक्शन 80CCC में. आगे चलते हैं सेक्शन 80CCD सबसेक्शन 1 दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनपीएस सब्सक्राइबर्स इसमें आपका एनपीएस कंट्रीब्यूशन आता है. लेकिन आपको ये याद रखना है दैट द मैक्सिमम लिमिट फॉर सेक्शंस 80C, 80CCC एंड 80CCD सब सेक्शन 1 इज रुपीज़ 1,50,000. यानी आप 1,50,000 से इससे ऊपर आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा. ऑल दो अगर आपका सेक्शन 80C, 80CCC, 80CCD सब सेक्शन 1 में आपकी टोटल डिडक्शन आ रही हैं 2 लाख लेकिन आपको 1,50,000 का ही डिडक्शन मिलेगा. आगे चलते हैं सेक्शन 80CCD सब सेक्शन 1B. SS इज रेफर्ड इन टू सब सेक्शन 80CCD सेक्शन 1 मीन्स NPS सब्सक्राइबर्स के लिए ये भी अप्लाई होता है. इट इज एन एडिशनल डिडक्शन ऑफ ₹50,000. कोई NPS सब्सक्राइबर है और उसके पास बस डिडक्शन आ रही हैं अंडर NPS. सो मान लीजिए उसकी NPS डिडक्शन हैं 2,50,000 फॉर द ईयर तो अंडर सेक्शन 1
under section 80C, 80CCD, CCC, 80CCD, subsection 1, the total limit is 1,50,000. मान लो उसमें उसने 1,50,000 की deduction कर ली, तो वो उसके अलावा 50,000 की deduction under section 80CCD, subsection 1. So, means out of 2,50,000, say, 1,50,000 वो under section 80C, CCD में लेगा, और जो 50,000 है, उनकी deduction वो 80CCD, subsection 1 में लेगा. इसको भी हमने एक previous video में already discuss किया हुआ है. आगे चलते हैं सेक्शन 80D की तरफ. सेक्शन 80D में क्या आता है? इसमें आपके हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम आते हैं, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए जो आपने पे किया हुआ है, मेडिकल एक्सपेंडिचर जो आपने इनकर किया है खुद पे या अपनी फैमिली पे. लेकिन यहाँ पे ये ख्याल रखना है कि एग्रीगेट अमाउंट ऑफ दीज थिंग्स, द इंश्योरेंस प्रीमियम, द पेमेंट फॉर हेल्थ चेकअप्स और एक्सपेंडिचर फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉय और हिज फैमिली, इट मस्ट नॉट एक्सीड ₹30,000. आगे चलते हैं सेक्शन 80DD. सेक्शन 80DD में वो सारी डिडक्शंस आ रही हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय इनकर करता है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ अ डिपेंडेंट हु इज अ पर्सन विद डिसेबिलिटी. अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय का कोई डिपेंडेंट है एंड ही हैज अ डिसेबिलिटी, द गवर्नमेंट अलाउज 75,000 एज डिडक्शन. इन केस ऑफ सीवियर डिसेबिलिटी 1,25,000 इज द डिडक्शन अलाउड. सेक्शन 80U, सेक्शन 80DD में हमने डिस्कस किया था कि इन दिस केस द डिसेबिलिटी इज, डिसेबल्ड कौन है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय का डिपेंडेंट. लेकिन सेक्शन 80U तब अप्लाई होता है व्हेन द गवर्नमेंट एम्प्लॉय हिमसेल्फ इज डिसेबल्ड पर्सन एंड ही इज अलाउड 75,000 ऑफ डिडक्शन. बट इन केस ऑफ सीवियर डिसेबिलिटी ही विल बी अलाउड 1,25,000 ऑफ डिडक्शन. उसके बाद सेक्शन 80DDB, सेक्शन 80DDB इट अलाउ द डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिजीजेस, कुछ डिजीजेस जो स्पेसिफाई की हुई हैं फॉर हिमसेल्फ और अ डिपेंडेंट. सो गवर्नमेंट एम्प्लॉय या खुद के लिए या अपने डिपेंडेंट के लिए जो एक्सपेंडिचर इनकर करता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिजीजेस, इसका लिमिट क्या है? अप टू 40,000. आगे चलते हैं सेक्शन 80E की तरफ. सेक्शन 80E प्रोवाइड्स डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन. हायर एजुकेशन का मतलब क्या है इस टाइम? हायर एजुकेशन मीन्स सीनियर सेकेंडरी से ऊपर. तो ये डिडक्शन आपको सिर्फ इंटरेस्ट पोर्शन पे मिलती है. आगे चलते हैं सेक्शन 80G की तरफ. सेक्शन 80G प्रोवाइड्स यू द डिडक्शन ऑन इन रेस्पेक्ट ऑफ डोनेशन टू सर्टन फंड्स और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन. कोई भी डोनेशन आप दोगे या किसी रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन को दोगे, वो डिडक्शन सेक्शन 80G में आती हैं. लेकिन यहाँ पे ये ख्याल रखना है द लिमिट इज ₹2,000 अगर आपने पेमेंट की हुई है इन कैश. आगे चलते हैं सेक्शन 80GG. हमने HRA डिडक्शन डिटेल में डिस्कस की हुई है एक सेपरेट वीडियो में. तो बट दिस सेक्शन 80GG ये उन पे अप्लाई होता है, उन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज पे अप्लाई होता है हु आर नॉट इन रिसीट ऑफ HRA, जिनको HRA नहीं मिलता, और जो अपने घर में नहीं रह रहे हैं, जो किसी मकान में रह रहे हैं और वो वहां पे रेंट पे कर रहे हैं. तो इस सेक्शन के अंडर आपको एक डिडक्शन मिल रही है अप टू 25% ऑफ टोटल इनकम या ₹5,000 पर मंथ, विच एवर इज लेस. मगर कंडीशन ये है दैट ही शुड हैव पेड अ रेंट इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ हिज सैलरी इनकम. सेक्शन 80GGA, सेक्शन 80GGA प्रोवाइड डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्टन डोनेशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट. अब आगे चलते हैं टैक्स कैलकुलेशन स्टेप वाइज. हम टैक्स कैलकुलेशन कैसे करते हैं? पहले आप इनकम फ्रॉम सैलरी लिखेंगे, उसके बाद इसमें लेस करेंगे एग्जेप्शन अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 13A इन रेस्पेक्ट ऑफ HRA, जो मैंने एक दूसरे वीडियो में डिस्कस किया हुआ है. उसके बाद अब एग्जेप्शन करेंगे अंडर सेक्शन 24B इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट पेड ऑन होम लोन, ये भी हमने एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस किया हुआ है. तो आप यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं अपनी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स. तो आपकी इनकम माइनस दीज एग्जेप्शन, ये देता है आपको ग्रॉस टोटल इनकम. ग्रॉस टोटल इनकम इसमें आप लेस करेंगे डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C, 80CCC, 80CCD सबसेक्शन 1.
इसका लिमिट जो मैंने पहले ही बोला है 1,50,000 है। इसके अलावा आप डिडक्शंस करेंगे अंडर सेक्शन 80D, 80DD, 80DDB, 80E, 80G, 80U। तो ग्रॉस टोटल इनकम से ये लेस करेंगे तो आपको आ जाएगा टोटल टैक्सेबल इनकम। टोटल टैक्सेबल इनकम पे आप इनकम टैक्स कंप्यूट करोगे। अप टू 2.5 लाख नील इनकम टैक्स, 2.5 to 5 लाख 5% इनकम टैक्स, 5 to 10 लाख 20% इनकम टैक्स, एंड अबोव 10 लाख 30% इनकम टैक्स। उसके बाद जो आपका टोटल टैक्स आ गया उस पे आप लेस करोगे रिबेट अंडर सेक्शन 87A। ये रिबेट ऑफ 2,500 उसको मिलता है जिसकी टोटल टैक्सेबल इनकम है अप टू 3.5 लाख। तो आ जाएगा आपका टोटल टैक्स आफ्टर रिबेट। टोटल टैक्स आफ्टर रिबेट पे आप ऐड करेंगे 2% ऑफ प्राइमरी एजुकेशन सेस, ये होता है 2% ऑफ टैक्स आफ्टर रिबेट, ये जो अमाउंट यहाँ पे आ गया। और उसके अलावा आप ऐड करेंगे 1% ऑफ सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस, तो आपका आ जाएगा टोटल टैक्स पेएबल जो आपको पे करना है। टोटल टैक्स पेएबल इस पे आप लेस करेंगे जो आपने ऑलरेडी पे किया हुआ है। मान लीजिए आपने पूरे साल हर एक सैलरी में थोड़ा थोड़ा करके टैक्स पे किया है, तो टोटल टैक्स पेएबल से वो सब्ट्रैक्ट करेंगे आप, तो आपका आ जाएगा टैक्स नाउ पेएबल फ्रॉम द सैलरी ऑफ फेब 2018। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।